मीटर चावल या तहरी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक पैन। उस पैन में हम थोड़ा सा तेल गरम करेंगे और प्याज डालकर उसको हल्का सुनहरा होने तक इंतज़ार करेंगे। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे हमारा गरम मसाला, जिसमें लौंगी, काली मिर्चें और ज़ीरा शामिल है और एक तेज़ पत्ता है, और साथ ही मैं अपने फ्रोज़न मटर शामिल करूँगी। इसे अच्छी तरह से भूनूँगी ताकि जो गरम मसाले का टेस्ट है वो निकल आए और हमारे मटर का भी टेस्ट वो अच्छे तरीके से पानी निकल आए, वो अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। मटर में मैं थोड़ा सा आधा चम्मच के करीब चीनी शामिल कर रही हूँ, इससे मटर में जो टेस्ट है वो मीठा आएगा। और साथ ही अदरक लहसुन नमक टमाटर शामिल कर रही हूँ और इसमें लाल मिर्चें हल्दी और हरा धनिया पाउडर डाल रही हूँ। और इसके बाद मैं इसको अच्छी तरह से फ्राई करूँगी कि तेल अलग हो जाए और जो हमारा मसाला है वो अलग हो जाए। साथ ही मैं अपने आलू भी शामिल कर दूँगी, क्योंकि इसमें मैं आलूओं को पहले फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद मैं आलूओं को दम लगाऊँगी कि वो गले, लेकिन सबसे पहले उनका फ्राई करना बहुत ज़रूरी होता है, वो एक अच्छा मज़ेदार टेस्ट देते हैं। अगर आपके पास दही मौजूद हो, मेरे पास दही मौजूद नहीं था इसलिए मैंने शामिल नहीं किया, अगर आपके पास दही मौजूद हो तो इसी स्टेज पर आप दही डाल दीजिएगा और बिल्कुल हल्की आँच पर इसको पकने दीजिएगा। जितनी हल्की आँच होगी और ये अच्छे से सालन में मैरिनेट होगा, आपकी तहरी का टेस्ट उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। अब देखिए मेरा जो मसाला है उसने तेल छोड़ दिया है, तो अब इसमें पानी शामिल कर रही हूँ और थोड़ी देर में इस पानी को खोल कर पकाऊँगी। जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो इसमें मैं अपने चावल शामिल करूँगी, जो चावल मैंने आधे घंटे पहले ही बासमती चावल भिगो दिए थे। अब मैं इन चावलों को दम लगाऊँगी और फिर दम लगा पकाना हर किसी को आता है, इस वजह से मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखा रही हूँ। देखिए मेरी तहरी बिल्कुल तैयार है। चावल में बॉयल आने के बाद मैंने चावल डाले थे, इसलिए मेरे चावल बिल्कुल खिले खिले बने हैं और चावलों में टेस्ट भी बहुत दुबला आया है। ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।